कांगड़ा जिले के फतेहपुर में पिछले डेढ़ साल से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे देहरी कॉलेज के NSQI के छात्र छात्राओं के सब्र का बांध अब टूट गया है। BCOM दूसरे सत्र के अंग्रेजी विषय का सवा साल के बाद भी रिजल्ट न मिल पाने के कारण भड़के हुए विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन, हिमाचल यूनिवर्सिटी व सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी से जल्दी उनका परीक्षा परिणाम नहीं मिला तो वो कॉलेज के गेट पर ताला जड़ देंगे, जिसकी जिम्मेवारी संबंधित प्रशासन की होगी। इसी दौरान छात्र छात्राओं ने रोष स्वरूप धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय के समीप दत्तनगर नामक स्थान में सरकार की ओर से स्पोर्ट्स होस्ट व इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 6 करोड़ की राशि खर्च करने के बाद आखिरी चरण के कार्य कुछ वर्षों से रोक दिए गए हैं। ऐसे में आलिशान परिसर वीरान होने के कारण असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। इससे स्थानीय युवा और खिलाड़ी काफी चिंतित हैं। आसपास के ग्रामीण खिलाड़ियों का कहना है कि इस परिसर में नशेड़ी और अन्य असामाजिक तत्व अक्सर आ रहे हैं, इससे माहौल बिगड़ रहा है। स्थानीय युवाओं में भी गलत संदेश जा रहा है। सरकार तुरंत इस दिशा में कदम उठाकर निर्माण पूर्ण करे, ताकि इस परिसर का उपयोग खेल गतिविधियों के लिए हो सके। जो युवा आजकल नशे की गिरफ्त में पड़ रहा है, उन्हें खेलों के प्रति आकर्षित किया जा सके। अन्य करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये परिसर धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता जा रहा है। अशोक मेहता ने बताया कि सरकार से निवेदन है कि यहाँ इस परिसर में जो असामाजिक गतिविधियाँ हो रही हैं, उन्हें रोका जाए और इस परिसर का निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि क्षेत्र के युवाओं का ध्यान नशे की ओर न जाकर खेलों की ओर मुड़े। सुरेंद्र ने बताया कि अब तक इस परिसर में 6 करोड़ रुपए खर्च किया है, लेकिन कुछ वर्षों से काम रुका होने के कारण ये वीरान परिसर नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। अब असामाजिक तत्वों के लिए सुरक्षित चरण स्थली बनी है। सरकार इसके निर्माण को पूर्ण करे, ताकि युवाओं का ध्यान असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर ना जाकर खेलों की ओर जाए। विनोद नेगी, राष्ट्रीय खिलाड़ी, ने बताया कि स्पोर्ट्स हॉस्टल और इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। ये सकारात्मक प्रयास है, लेकिन निर्माण का काम बंद होने से यहाँ नशेड़ियों का आना जाना आम है। इस परिसर का सदुपयोग हो, जल्द निर्माण कर खेल गतिविधियां शुरू की जाएं। डायनामिक इंडिया युवा मंडल द्वारा आयोजित 8 दिनों तक चलने वाला राज्य का सबसे बड़ा गैर सरकारी मेला हिमाचल उत्सव लगातार 17वें साल सोलन में धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 सितंबर से शुरू हुए हिमाचल उत्सव का विधिवत उद्घाटन हिमाचल सरकार के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के द्वारा किया गया। उनके साथ सोलन भाजपा के नेता राजेश कश्यप संध्या के विशिष्ट अतिथि रहे। पावर लिफ्टिंग एक बेहद खतरनाक खेल है, जिसमें व्यक्ति का शक्तिशाली होना बेहद आवश्यक है। पावर लिफ्टिंग का जोखिम पुरुष भी बहुत कम उठाते हैं, क्योंकि इसमें चोटिल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन सोलन की गहना सूद के लिए पावर लिफ्टिंग मानो बच्चों का खेल है, और वह जहाँ भी जाती है वहाँ से जीत कर ही दम लेती है। हाल ही में पालमपुर में हुई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी गहना ने न केवल अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि गोल्ड मेडल भी हासिल किया, जिसकी वजह से गहना का परिवार बेहद खुश है। अधिक जानकारी देते हुए गहना सूद ने बताया कि शुरुआती तौर पर वह जिम जाया करती थी। वहां पर जिम ट्रेनर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पावर लिफ्टिंग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पावर लिफ्टिंग क्योंकि एक लीक से हटकर खेल है, इसलिए शुरुआती तौर पर किसी ने भी इसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन उन्हें अपने ऊपर विश्वास और पावर लिफ्टिंग के प्रति लगन थी, इसलिए उन्होंने इस खेल को खेला और अपने आप को साबित किया कि वे इस खेल के लिए ही बनी है, और बहुत से इनाम जीते। उसके बाद उनके परिवार का साथ भी उन्हें मिलने लगा और शहरवासियों का भी, जिसकी वजह से उन्हें हिमाचल की स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल का खिताब भी मिला है। कोच ने बताया कि
गहना एक मेहनती पावर लिफ्टर है। वे कई प्रतिभागियों में अपना दमखम दिखा चुकी हैं और उन्हें बेहद खुशी है कि वे जिस भी प्रतियोगिता में जाती हैं वहां जीत अवश्य ही हासिल करती हैं। उन्होंने बताया कि पहले वे हिमाचल पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन से खेलती थी, लेकिन अब वे भारत पावर लिफ्टिंग फेडरेशन से खेलती हैं, जो हिमाचल के लिए एक गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि गहना एक के बाद एक सफलताओं की सीढ़ी चढ़ रही है, जिसके चलते वे बेहद खुश हैं।